शांति। आज 28 अक्टूबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, जो जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहे तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। यह है बेहद की घड़ी। इसमें सारी बुद्धि से समझने की बात है। उनका भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा है। सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है। अब रात के 12 बजे हैं, यानी रात पूरी हो फिर दिन शुरू होना है। यह बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए? इसमें कांटे जो बनाए जाए उसमें रेडियम भी देना चाहिए, जो दूर से चमकता रहे। घड़ी तो अपने आप समझाती है, कोई भी नया आए तो घड़ी आकर देखे। बुद्धि भी कहती है, बरोबर कांटा अंत में आकर पहुंचता है। कोई भी समझ सकता है कि विनाश जरूर होना चाहिए। फिर है सतयुग की आदि। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं, तो इतनी सब आत्माएं जरूर वापिस जाती होंगी। चित्रों पर समझाना है बहुत सहज। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी घर में रखें। इन पर समझाना है, यह कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है। अनेक धर्म भी हैं, विनाश भी सामने खड़ा है। नेचुरल कैलिमिटीज भी होनी है। अब इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी सतयुग की बादशाही कैसे मिली? जरूर बाप द्वारा मिली होगी। पतित पावन आते ही है पतित दुनिया में संगम पर। पावन दुनिया में तो बाप को आना नहीं है। यह गोले पर समझाने के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास बात है, और इस पर समझाना किसको भी बड़ा सहज है। जिसके पास पैसे बहुत हैं, वह तो आर्टिस्ट को झट ऑर्डर दे और झट चीज तैयार हो जाए। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता। यहाँ तो मुश्किल कोई काम करते हैं। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो वह शोभता भी है। आजकल आर्ट का मान बहुत है। डांस का आर्ट कितना दिखाते हैं, समझते हैं पहले ऐसे डांस होते थे, परंतु ऐसे कोई है नहीं। तो यह बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए, जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए। कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे। पतित पावन, कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। मनुष्य पतित है ना, तब तो गाते हैं। पावन दुनिया भी स्वर्ग है। मनुष्य तो नहीं समझते कि श्री कृष्ण ही श्याम है फिर सुंदर बनता है, इसलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे, अभी बुद्धि में है। बरोबर काम चिता पर बैठने से काला हो जाता है, अर्थात आत्मा पतित हो जाती है। यह भी स्पष्ट करके लिखना है। वर्षा देते हैं परमपिता परमात्मा और श्राप देते हैं रावण। मनुष्यों की बुद्धि फिर चली जाती है रघुपति राघव राजा राम तरफ, परंतु राम तो है परमपिता परमात्मा। यह सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते। तुम जानते हो बाप तो एक ही है, बाकी हम सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ जाकर रहेंगे। उस समय बाप भी ब्रह्मांड का मालिक, हम भी ब्रह्मांड के मालिक। फिर बाप कहते हैं, तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। और भल कोई कितना भी बड़ा राजा हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। बाप तो विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो ऐसे मात पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। उनके श्रीमत मशहूर है, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। अभी अगर श्रीमत पर पूरा चले तो श्रेष्ठ बन जाए।
कितना माथा मारना पड़ता है। जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वह भी रुद्र यज्ञ करते हैं शांति के लिए। उससे तो शांति हो न सके। बाप का तो एक ही यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा हो जाती है और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती रहती है। वह कितने यज्ञ रचते हैं, फायदा कोई नहीं। तुम बच्चे हो, नॉन वायलेंस, पवित्रता भी कर कोई स्वर्ग में जा न सके। यह है पिछाड़ी का समय, पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया, 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी, यह सब लिखना पड़े और फिर स्वर्ग में ही श्रेष्ठाचारी, 100% पवित्रता, सुख, शांति, निरोगी। वह है रावण का श्राप, यह है शिव बाबा का वर्षा। पूरी लिखत होनी चाहिए, भारत फलाने समय से फलाने समय तक श्रेष्ठाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बना है। लिखत ऐसी हो जो देखने से समझ जाए, समझाने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा। इस धंधे में ही रहने से फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। यह सर्विस 8 घंटा करते हैं तो यह भी 8 घंटा करनी चाहिए। सेंटर पर बच्चियां जो है उनमें भी नंबर वार हैं। कोई को तो सर्विस का बहुत शौक है, जहाँ तहाँ भागते रहते हैं। कोई तो एक ही जगह पर आराम से बैठ जाते हैं, उनको ऑलराउंड नहीं कहेंगे। महारथियों को तो कुछ समझते नहीं है तो सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है, हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा। यह नहीं समझते कि महारथी तो मदद करेंगे, अपना अहंकार रहता है। ऐसे भी बुद्धू हैं। बाप कहते हैं सच्चे दिल पर ही साहेब राजी होता है। बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं ना, बाबा हर एक की रग को समझते हैं। यह बाबा भी अनुभवी है तो यह गोले की समझानी बहुत अच्छी है। यह समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी विहंग मार्ग की हो जाएगी। अभी तो चिंटी मार्ग की सर्विस है, अपने ही देह अभिमान में रहते हैं, इसलिए बुद्धि चलती नहीं। अभी यह है विहंग मार्ग की सर्विस। सर्विसेबल बच्चों का माथा चलता रहेगा। क्या क्या बनाना चाहिए, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अभी कलयुग है, सतयुग स्थापन होता है, बाप ही सबको वापिस ले जाएंगे। वहाँ है सुख, यहाँ है दुख, सब पतित है। पतित मनुष्य कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की कारोबार सिखलाने वाले गुरु सब है भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई है नहीं। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है ना, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। श्री कृष्ण को कभी जादूगर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को भी शाम से सुंदर बनाने वाला वह बाप है। समझाने का बड़ा नशा चाहिए, बाहर में जाना चाहिए। गरीब ही अच्छा उठाते हैं, साहूकारों में उम्मीद कम रहती है। 100 गरीब तो 1-2 साहूकार, 5-7 साधारण निकलेंगे। ऐसे ही काम चलता है। धन की इतनी दरकार नहीं रहती। गवर्नमेंट ने देखो कितना बारूद बनाया है। दोनों समझते हैं विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे तब मुलक यानी शिकारी कौन बनेंगे। कहानी है ना, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदर को मिल गया। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, हे यह स्वर्ग रूपी मक्खन। यह बातें मुश्किल कोई समझ सकते हैं। यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी कुछ नहीं समझते। पहले पहले भट्टी बनी, उसमें कितने आए कितने चले गए, कोई जम गए हैं। ड्रामा में कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, अब भी ऐसे हो रहा है। चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को भी समझाना सहज होगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूरी है। झाड़ से पता पड़ता है भक्ति कल्ट कब से शुरू होता है। ब्रह्मा की रात 2 युग, फिर ब्रह्मा का दिन 2 युग। मनुष्य तो समझते नहीं, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में है।
परंतु प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा। कितने गुह्य राज हैं जो शास्त्रों में तो हो नहीं सकते। मनुष्यों ने सब उल्टे चित्र देखे हैं, उल्टा ज्ञान सुना है, ब्रह्मा को भी बहुत भुजाए दी हैं। यह जो भी शास्त्र आदि है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह कब से शुरू होती है दुनिया नहीं जानती। मनुष्य भक्ति कितनी करते हैं, समझते हैं भक्ति बिगैर भगवान मिल नहीं सकता, लेकिन जब पूरी दुर्गति हो तब तो भगवान मिलेगा सदगति के लिए। यह हिसाब किताब तुम जानते हो। आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। बाप कहते हैं यह वेद उपनिषद यज्ञ तप आदि सब है भक्ति मार्ग के। यह सब खत्म होने हैं। सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाप को आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, न कि युगे युगे। दिखाते हैं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, परशुराम अवतार, यह भगवान के अवतार हैं। फिर पत्थर भीतर में भगवान कैसे हो सकता है। मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं। बाप ने आकर कितना समझदार बनाया है। महिमा भी करनी पड़े। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। श्री कृष्ण की यह महिमा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण के भक्त फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं कि सर्वव्यापी हैं। कितना चटक पड़ते हैं, उनसे निकाल कर फिर बाप का परिचय देते हैं। सब आत्माएं भाई भाई हैं, सब फादर थोड़े ही हो सकते हैं। फिर याद किसको किया जाता है, गॉड फादर को बच्चे याद करते हैं। समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। बच्चों की बुद्धि हद में फंस पड़ती है, एक जगह ही बैठ जाते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वह बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलते हैं। जितना जो सेंटर्स खोले वह मैनेजर अच्छा, फिर सेंटर पर भी मदार है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। किसकी? ज्ञान सागर की। पॉइंट तो बहुत है जो धारण कर समझानी है। सभा में चित्र रखे हो जो सब देखें। घड़ी का चित्र यानी सृष्टि चक्र का बहुत अच्छा है। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। घड़ी पर समझाना बहुत सहज है। कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते। अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते, फालतू खुश होते। सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे कि यह दानी है। दान भी अशर्फियों का करना चाहिए या पाई पैसे का। यह चित्र अंधों के आगे आईना है। आईने में अपना मुख देखेंगे। पहले बंदर की शक्ल थी, अभी मंदिर की शक्ल बन रही है। मंदिर में रहने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। यह है पति दुनिया, वह है पावन दुनिया जो शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनकी बुद्धि में कभी धारणा हो नहीं सकती। बाप कहते हैं प्रतिदिन तुमको गुह्य बताता हूँ तो जरूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। कोई कोई प्रश्न उठाते हैं, आठ बादशाही कैसे चलेगी, इस हिसाब से इतनी बादशाही होने चाहिए। बाप कहते हैं तुम लोग इन बातों में क्यों पढ़ते हो, पहले बाप और उनके वर्षे को तो याद करो। वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। बच्चे जिस रीति से पैदा होते होंगे उस रीति से होंगे। तुम क्यों इसमें जाते हो, विकार की बात मुख पर क्यों लाते हो। यह चित्र किसको सौगात में देना बहुत अच्छा है। यह गॉड फादरली गिफ्ट है। ऐसी गॉड फादरली गिफ्ट कौन नहीं ले जाएंगे। क्रिश्चियन लोग और किसका लिटरेचर आदि नहीं लेते, उनको अपने धर्म का नशा रहता है। बाप तो कहते हैं देवता धर्म सबसे ऊंच है। वह समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु यह तो ज्ञान की बातें हैं। जो ज्ञान उठाते हैं वही बाप से वर्षा पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है विश्व का मालिक बनाने वाले
माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है, उनके श्रीमत पर अच्छे रीति चल श्रेष्ठ बनना है। दूसरी पॉइंट है, अपने दिल सदा सच्चे रखने हैं, अहंकार में नहीं आना है, अशर्फियों का दान करना है, ज्ञान दान करने में महारथी बनना है, 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। आज का वरदान है, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। विश्लेषण है, जिनका साथी सर्व शक्तिमान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं, उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रहे माया को विदाई देते हैं उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं, जो सोचा नहीं वह पा लिया, बाप को पाया सब कुछ पाया, ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। आज का स्लोगन है, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।